हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला दोस्तों पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं। जी हां दोस्तों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का मैं रूल बताऊंगा। तो ये हिंदी ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट वांटेड टॉपिक है जो हर बच्चों को इसमें समस्या रहता है, उनको रूल नहीं पता रहता। चूंकि हम लोग का एग्जाम में से सवाल आ जाता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको समझना है, सीखना, तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ वीडियो सीखेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कुछ स्टेप लिखा हूँ, रूल लिखा हूँ स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने का, ठीक है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का कैसे, कोई भी शब्द मैं आपको एग्जाम जैसे दे देता है, ठीक है। गायक दे देता है, उसको बताओ स्त्रीलिंग क्या होता है, ठीक है। आपको स्वामी दे देता है, स्वामी का स्त्रीलिंग बताओ क्या होता है। तपस्वी ऐसा रहता है, तो समय हम आता ही हमें, ठीक है। तो इसी को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए रूल में लिख दिया हूँ सब के आपका रूल है, ठीक है। यहाँ पे इस रूल को समझेंगे और एग्जांपल के थ्रू मैं सब पर रूल को अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आपको समझ ही जाएगा, पहले रूल देख लेते हैं क्या कहता है रूल। देखिए कहा पहले टॉपिक पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम, ठीक है, हिंदी व्याकरण। इसको लिंग परिवर्तन भी कहते हैं, क्लास 9th में पढ़ना है, 10th पढ़ना है, 11th पढ़ना है, 12th में सारा व्याकरण का टॉपिक दिया, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी आता है सवाल, ठीक है। यदि दोस्तों कोई भी शब्द के अंदर में आ लग जाए ना, उसको यदि आ बदल देते हैं, उसको यदि आ को आ में आप बदल देते हैं, तो दोस्तों वो स्त्रीलिंग बन जाता है। बात समझे, जैसे मैं आप एग्जाम्पल के लिए आपको बोलूं छात्र, छात्र, छात्र लक्ष्मी, आ ये अ को तो मैं आ बदल दूं छात्रा, तो छात्रा स्त्रीलिंग हो गया। तो वही पहला रूल कहता है कि किसी भी शब्द के अंत में अ को आ में बदल दे तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, अ को यदि ई में बदल दे, अ को क्या बदल दे, ई में बदल दे, ठीक है। इससे आप लोग देखोगे बहुत सारे रहता है एग्जाम्पल, जैसे यहाँ मैं लिया हूँ, देखिए देव, देव है, देव लास्ट में आ आया, लेकिन मैं देवी लिख दूं, देवी, तो स्त्रीलिंग हो गया। तो अ को ई में बदल दे तो क्या होता है, स्त्रीलिंग हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। लास्ट जो तो हमारा आता है आ को ई में बदल दे, यदि कोई शब्द है उसके अंदर आ गया, उसको यदि ई में बदल देना तो क्या जाएगा, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल आपका देखिए क्या, आपका नाना, नाना, पापा, चाचा, काका, दादा होगा ना, तो सब के अंदर आया है, एक समय ई लगा दीजिए, नाना, नानी, काकी, दादी, चाची, इसमें होता ना, तो ये सब होता आपको, तो ये सब क्या होगा आपका, ये आप आ को यदि ई में बदले हैं तो क्या बन गया आपका, वो स्त्रीलिंग बन गया, ठीक है। चूंकि सब पुलिंग वाला शब्द है, जो शब्द अंत में ये आ रहा है, लेकिन वही इसको इस साइड बदल दे रहे हैं, ईया में, ई में, तो स्त्रीलिंग बन जा रहा है, ठीक है। देखिए आ को ईया में बदल दिए, आ को ईया में बदल दिए, ठीक है, तो क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। आ यदि कोई शब्द के अंदर में आ रहे, यदि उस शब्द को आ को हटा कर वहां पे ईया लिख दे तो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए आपका, देखिए बूढ़ा, बूढ़ा पढ़ेंगे, बूढ़ा, बूढ़ा को यदि आया लास्ट में, यदि आगे में ईया लिख दूं बूढ़िया, तो बूढ़िया आपका क्या हो, स्त्रीलिंग हो गया। चूहा पढ़ेंगे, चूहा शब्द होता था, आज में आया, यदि चूहा के जब मैं चूहिया लिख दूं ईया, तो चूहिया हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो आ के अंदर में आपको ईया में बदल दें तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अक को ई का बदल दें, अक को ई का बदल दें तो क्या हो जाएगा आपका, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे गायक, गायिका, बालक, बालिका, पाठक, पाठिका, तो ऐसा होता। तो यहाँ तक पहले रूल है, रूल को सब बनाता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए छात्र है तो लास्ट में आ आया ना, तो आ को क्या बदलेंगे, आ में बदलेंगे, क्योंकि पुलिंग है, स्त्रीलिंग बनाना, तो छात्र क्या आ लगाएंगे तो क्या लगेगा, छात्र, छात्र क्या स्त्रीलिंग है कि पुलिंग, स्त्रीलिंग हो गया। से वृद्ध है, लास्ट में आ आया है, इसको आ में बदल देंगे पहला रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या जाएगा, वृद्धा, तो वृद्धा क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। पूज्य, देखिए पूज्य के लास्ट में आ आया है, आ पूज्य, पूज्य आया, इसको आ में बदलेंगे तो क्या जाएगा, पूज्य, ये क्या जाएगा, पुली, स्त्रीलिंग हो गया। अनुज है, अनुज लास्ट में आ आया है, ठीक है, तो अनुज को लास्ट में क्या करेंगे, आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अनुजा। अब देखिए दोस्तों सेकंड रूल क्या कहता है ना, कि यदि अ को यदि ई में बदल दें, यदि अ को आप यदि ई में बदल देते हैं ना तो भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यहां पर देखा तो देव है, तो देव का आप देवा मत लिखिएगा पहला रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको कुछ कॉमन सेंस भी लगाना है कि वो शब्द मैं लगा रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। मैं देव को देवा लिखूंगा तो देवा से स्त्रीलिंग का बोध होगा नहीं, तो देव को लास्ट में ई लगाऊंगा, क्योंकि दो दो शब्द यहाँ पे है, अ के आ है, आ, तो इसमें
ओल आ लगाऊंगा तब स्त्रीलिंग लगेगा देखने में, छात्र में छात्री, छात्री लगेगा, स्त्रीलिंग नहीं लगेगा। इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें आ नहीं लगेगा, इसमें ई लगेगा। तो क्या लगेगा आपका, देवी, देवी स्त्रीलिंग हो गया। दास है तो दास में दास ही स्त्रीलिंग हो गया। पुत्र तो पुत्र लास्ट में आ आया तो इसे पुत्री कर देंगे, ये भी आपका स्त्रीलिंग हो गया। ब्राह्मण लास्ट में आ आया है तो इसमें ई लगा दूंगा, तो क्या लगेगा ब्राह्मणी, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। नाना दोस्तों देखिए, ये जो इस शब्द के अंदर अ था अब आ गया है, तो थर्ड रूल लगाएंगे। थर्ड में क्या, आ को ई में बदले, तो यहाँ पे आ है ना, आ को ई में बदले तो नाना को क्या हो जाएगा, नानी। मैंने आ था, आ के जब मैंने ई लिख दिया तो नानी बन गया। लड़का तो लड़का का लड़की लिख दूंगा। घोड़ा तो घोड़ा का क्या लिखा, ई लगा दूंगा तो घोड़ी हो जाएगा, घोड़ी स्त्रीलिंग हो गया, लड़की स्त्रीलिंग हो गया। रस्सा लास्ट में आ आया है तो रस्सा का ई लगा दूंगा, तो रस्सी, रस्सी स्त्रीलिंग है और रस्सा पुलिंग है, याद रखिएगा। बूढ़ा देखिए, अब यहाँ भी बूढ़ा है तो अब बूढ़ी लगाइएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। चूही, चूहा का मैं लास्ट में यहाँ भी आया है तो ये रूल लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा, चूही नहीं होगा। ठीक है, बस मैं तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ई आया रूल लगाएंगे, आ को ई आया बदलेंगे, क्योंकि अपने मन से देखना है अच्छा लग रहा है। चूहा का चूही कल अच्छा लग रहा है, नहीं चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बूढ़िया, ठीक है, ये सब लगेगा। तो आ के अंदर में ई लगाएंगे, ये रूल अब लगेगा। ठीक है, तो बूढ़ा का क्या करेंगे, बूढ़िया। चूहा का क्या कर देंगे, चूहिया। बेटा का देखिए, यहाँ बेटा है तो बेटा का बिटिया हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा का बिटिया भी होता है और बेटा का एक बेटी भी होता है। ठीक है, दो दो रूल लगेगा। यहाँ जो नाना वाला था ना, नाना वाला भी रूल आ को ई में बदल रहे थे, तो यहाँ भी आ को ई में बदल देंगे तो अच्छा रहे, बेटा का बेटी भी अच्छा लगता है, बेटिया अच्छा लगता है, दोनों अच्छे रूल। ठीक है, ठीक है, बेटिया जो पहले हम लोग बोलते थे 1946 में जमाना में, तो बेटी बोला जा रहा है सब बेटिया। ठीक है, बोलते हैं लोग अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग भाषा। कुत्ता है तो कुत्ता का उसमें आ आया है तो कुत्ता का कुत्ती लिखिएगा, नहीं कुत्तिया। ठीक है, ये सब बात समझिएगा। स्त्रीलिंग आपको एग्जाम में आएगा, बोलेगा कि इसका कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसको लिंग परिवर्तन करें। ठीक है, 5-6 शब्द दे देगा, उसको बोल देगा करने के लिए, तब तो नंबर मिलेगा वहीं पे। बालक है तो बालक का बालकी लिखेगा, नहीं बालक का बालकी या बालका नहीं लिखेगा, बालक रस में अ आया है तो यहाँ पे रूल लगेगा। ठीक है, यहाँ पे रूल क्या लगेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे बालिका हो जाएगा। ठीक है, बालक का क्या जाएगा, बालिका। क्या मैंने बताता का देखिए, जो अग को इका में बदलना है, अग को ई का बदलना, तो बालक, बालक अक आया तो बालिका, ई का बालिका, ई का बालिका, बालक अक आया ना तो अक को ई का बदल दिया, तो बालक को बालिका बदल दिया, स्त्रीलिंग हो गया आपका। नायक है लास्ट में अक आया, नायक अक, तो ई का बदलेगा तो नायिका हो जाएगा। बस समझ आ रहा है, ई मैंने अक के जगह पर ई का लिख दिया तो नायिका हो गया। पाठक, पाठिका, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो गया। विनायक, अक आया लास्ट में, इसको इका में बदल देंगे तो नहीं विनायिका हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, यस यस है ना, बताइए यस ना। चलिए विनायिका। देवर है, देखिए ये रूल अलग हो गया, देवर का देवरा या देवरी नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं मार दीजिए हवा में फायरिंग कर दीजिए, गलत हो जाएगा, देवर का देवरा देवरी नहीं होगा। अब यहाँ रूल एक आया है, जब दोस्तों देखिए जब क्या आता, देखिए दोस्तों जब क्या आता ना, नी, इन, आइन और आपका क्या जाएगा आपका आनी, ये सब जो प्रत्यय के क्या करते हैं ना हम लोग लगाते हैं। ठीक है, ये सब कभी कभी क्या होता है, प्रत्यय को लगा कर भी हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं। ठीक है, तो देवर को क्या करेंगे ना, देवरानी, आनी में बदल देंगे, ये प्रत्यय लगाएंगे ना तो अच्छा लगेगा। देवरानी गलत है, देवरीन गलत है, देवराइन गलत है, देवरानी, देखिए ये प्रत्यय लगाएंगे ना तो अच्छा लगेगा। तो कहीं कहीं क्या होता है ना, पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्यय को लगाना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे आनी प्रत्यय लगा दूंगा। तो देवर में क्या करूँगा, आनी प्रत्यय लगाऊंगा तो क्या जाएगा, देवरानी। जेठ में सेठ में आनी प्रत्यय तो क्या जाएगा, सेठानी। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपके लिए कि मैं जो रूल बता रहा हूँ ना, ये रूल आपको कोई नहीं बताएगा। यदि आप रूल को समझ जाते हैं थोड़ी सी समय देकर, तो आप अच्छा कमान कर लेंगे लिंग परिवर्तन पर, फिर किसी का वीडियो पर देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं इतना सारा रूल बताया हूँ। सबसे बड़े सौभाग्य बात मानिए आप कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, रूल तो है एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। तो भाव का क्या जाएगा, भवानी। सेठ का सेठानी, देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी,
ठीक है, जेठा नहीं हो जाएगा, जेठ का जेठालाल नहीं मार दीजिएगा, ठीक है, जेठा नहीं हो जाएगा। शेर का दोस्तों देखिए, शेर देखे अब यहाँ पे रूल गलत, शेर का शेरा शेरी गलत, इट्स रॉन्ग, ठीक है। प्रत्यय वाला याद रखिएगा, यहाँ पे क्या जाएगा रूल, ये प्रत्यय वाला जाएगा, तो नी नी प्रत्यय लगे तो शेर में, नी लगे तो शेरणी, अच्छा लग रहा है, इन लगे तो शेरिन गलत, शेराइन गलत, शेरानी गलत है, तो नी लगाते हैं तो अच्छा लगता है, तो यानी कि इसमें नी प्रत्यय लगा, तो शेरणी, शेरणी आपका क्या जाएगा स्त्रीलिंग हो गया, मोर है तो मोर में नी लगाऊंगा तो क्या जाएगा मोरनी, मोरनी भी स्त्रीलिंग शब्द है, कोई दिक्कत। देखिए जाट है तो जाट भी नी लगाऊंगा तो जाटनी बन जाएगा, सिम भी लगाएंगे नी तो सिंहनी बन जाएगा, अच्छा पढ़ते हाथी नहीं तो हाथीनी, हाथीनी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं, देखिए तो हाथीनी, हाथीनी भी लगा सकते हैं हाथीनी, लेकिन यहाँ पे तो आपको क्या हो जाएगा ना, आपको देखिए स्वामिनी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, स्वामिनी, ठीक है, तपस्विनी के जगह तपस्विनी, ये सब दोस्तों आपका ना स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो गया। अब दोस्तों कुछ बात है ना, जो यहाँ पे एक दो तीन आपको दोस्तों यहाँ पे तीन और हम लोग का बचा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू, तो तीन में और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने मेटार कर ताकि उसी इस रूल के हिसाब से मैं और आपको क्या करूँ जो एग्जाम्पल पर रूल लगा दूँ, ठीक है, तो फिर इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते, जो हमारा रूल है आगे इस रूल पे अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं क्या हमारा जो है एग्जाम्पल। देखिए तो नी हो गया, इन हो गया, आइन हम लोग का बचा हुआ है, ठीक है, आइन। चलिए देखिए तो माली, माली का क्या करेंगे बताइए, माली का क्या करेंगे, मालिन करेंगे, ठीक है, माली का क्या जाएगा मालिन, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत, माली का क्या जाएगा मालिन, देखिए ऐसे हो जाएगा, माली का क्या जाएगा मालिन हो गया, कुम्हार का क्या जाएगा, क्या जाएगा आपका कुम्हार है ना, कुम्हारिन हो जाएगा, ठीक है, स्त्रीलिंग बनाया तो कुम्हारिन, देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, वो चूंकि हालान था ये इस तरह बदला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही है ना आपका दीर्घ ही नहीं हरस भी है ना, तो मालिन इस तरह से हो जाएगा, कुम्हारिन इस तरह से हो जाएगा, चमार है यहाँ पे चमारिन हो जाएगा, इस तरह स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाने का बहुत आसान तरीका, ठीक है, सुनार है, सुनार को स्त्रीलिंग बनाना है तो इसमें क्या इन लगा देंगे, पढ़ते तीन है ना, प्रत्येक पर बन रहा है, ठीक है, ये रूल आ गया प्रत्येक पर, सुनारिन, नाई है तो नाइन, ठीक है, चौधरी है दोस्तों, अब यहाँ पर अलग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, चौधरी अब आ गया ना, अब आपको अलग हो जाएगा, ठीक है, तो चौधरी का दोस्तों अब यहाँ पे ये रूल रहेगा आइन वाला, आइन वाला, ठीक है, चौधराइन, चौधराइन, ठीक है, तो चौधरी का आपसे कोई पूछे कि स्त्रीलिंग क्या होता है, चौधरी, चौधरी का चौधराइन, ठीक है, ठाकुर का तो क्या जाएगा ठाकुराइन, ये सब स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है, मुंशी तो क्या जाएगा मुंशी, क्या जाएगा आपका मुंशी आइन, इसका दोस्तों क्या जाएगा आपका मुंशी, मुंशी आइन, ठीक है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया, मुंशी का स्त्रीलिंग हो गया, गुणमान देखिए अब आपका अलग हो जाएगा, अब देखिए तो क्या पढ़ते हैं, अब लास्ट रूल क्या आता है, बान के स्थान पर बती लगाकर, बान के स्थान पर बती लगाकर, मान के स्थान पर मति लगाकर और ता को त्रि में बदलकर हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं, ठीक है, तो गुणवान को क्या जाएगा गुणवती, क्या गुणवान का क्या जाएगा तो गुणवती हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो गया, बलवान का क्या दोस्तों आपका जाएगा बलवती हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो गया, भगवान का क्या जाएगा तो भगवती हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो गया भगवान का, सत्यवान का क्या जाएगा तो सत्यवती हो जाएगा, ये भी स्त्रीलिंग हो गया, श्रीमान देखिए अब मान आया है तो मान को श्रीमनी नहीं लिखेगा, स्त्रीलिंग नहीं हो गलत हो जाएगा, श्रीमान मान के समय मती लिखेंगे तो श्रीमती, तो श्रीमती आपका क्या जाएगा स्त्रीलिंग हो गया, बुद्धिमान का क्या जाएगा बुद्धिमती, ये आपका स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है, बुद्धिमती, देखिए अब कर्ता दोस्तों कर्ता, ठीक है, लास्ट में ता आया है, ता आया, ता आया, तो कर्ता क्या जाएगा दोस्तों आपको त्री लगा दे कत्री, ठीक है, कत्री हो जाएगा आपका, कत्री हो जाएगा, नेता क्या नेत्री हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा, दाता क्या दोस्तों दात्री हो जाएगा,
ठीक है, दात्री हो जाएगा, यहाँ पैसे नहीं दीजिएगा, ठीक है, कर्त्री, यहाँ पे क्या जाएगा आपका दोस्तों, त्री लगाकर नेत्री, यहाँ पे क्या जाएगा आपका दात्री हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से दोस्तों आपको त्री मैंने लगाकर मैंने सारा बनाया, इसका रूल बनाया हूँ, इसका अलग, तो दोस्तों मैं सब रूल के हिसाब से मैं सारा एग्जाम्पल लिया था और उस एग्जाम्पल में अप्लाई करके आपको प्रूव करके दिखा भी दिया हूँ कि कैसे वो एग्जाम्पल पे हमने स्त्रीलिंग को, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला हूँ, ठीक है। तो आपको एग्जाम में रहेगा सवाल दे देगा, नेता को बोलेगा स्त्रीलिंग क्या होता, तो दिमाग में सोचेगा अरे नेता, नेती तो होगा नहीं, नेताइन तो होगा नहीं, नेता ता आया हो तो रूल याद करने हो, ता आया था तो त्रि बदलता, तो ता को मैंने त्रि बदल दिया तो नेता का नेत्री बदल दिया, ठीक है, ये सब हो गया ना। तो ये आपका पूरा रूल के हिसाब से मैंने सारा बता दिया। ये दोस्तों आपको जो रूल है दोस्तों, ये सब जो रूल को याद कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको एक बड़ा हथियार लग जाएगा, ठीक है। इस हथियार से आप लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, लिंग मतलब स्त्रीलिंग को पुल्लिंग या पुल्लिंग को स्त्रीलिंग। अब इसे आपको दे ही देगा, ऐसे देगा, यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे देगा क्या, पुत्री, बोले पुत्री का पुल्लिंग बदल, तो पुत्री किसका, पुत्र का है, तो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली इस वीडियो में आपको सारा बता दिया हूँ, तो आज जो बच्चे अंत तक देखे होंगे उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अपने तरह से समझाने का प्रयास किया हूँ। तो फ्रेंड्स आज तक बस इतना ही, वीडियो हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे ना, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल का तो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे में अपनी पहले पहुँचते रहें, ठीक है। और फ्रेंड्स बगल में जो बेल आइकन है, नोटिफिकेशन बिल, उसको दबा दीजिएगा, ताकि जितने इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो होंगे आप सामने पहुँचते रहेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं भी अंत में यही कहूँगा कि इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए अपने दोस्तों के साथ, बैचमेट के साथ, ताकि शेयर करिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स के साथ में पढ़ने वाले वो भी कुछ सीखेंगे, वो भी कुछ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।